कहा जाता है कि काशी के कण कण में शंकर बसते हैं। इस दिन पूरी काशी शिव के रंग में रंगी हुई नजर आती है। हर साल बाबा का अद्भुत बारात निकलता है। इसका हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा ही महत्व है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इस मौके पर हर साल मंदिरों में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। शिव मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव गौरी की विधि विधान पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल आती है। इसके साथ ही जब बाबा का बारात निकलता है तो महिलाएं भी करती हैं परचन। जिस तरह दूल्हा जब बारात लेकर निकलता है तो घर की महिलाएं दूल्हे का परचन करती हैं, ठीक उसी तरह काशी में बाबा की बारात निकलती है तो महिलाएं उनका परचन भी करती हैं। भोले शंकर को घर दानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके बारात में भूत पिशाच किन्नर नर नारी सभी लोग शरीक होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा के उद्घोष से गूंज उठी काशी। दोपहर करीब 1 बजे भगवान शिव की अनोखी बारात निकली। तिल भांडेश्वर मंदिर से निकाली बारात पांडे हवेली केदारघाट हरिश्चंद शिवाला भेलूपुर समेत अन्य रास्तों से होकर वापस तिल भांडेश्वर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए तमाम मुस्लिम बंधु भी काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते दिखाई दिए और यह कई सालों में ऐसा दिन आया है कि दोनों पक्षों के लोग एक साथ मंदिर में जाते हुए दिखाई दिए। बात करें सुरक्षा तो सुरक्षा बड़ी ही पुख्ता थी और हो भी क्यों ना, क्योंकि लेडी सिंघम के रूप में महिला ऑफिसर मौजूद थी। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस के जवान डिवाइडर के रूप में लंबी कतार बनकर खड़े थे। झांसी उत्तर प्रदेश। आज शिवरात्रि है तो क्या मानते हैं आज दर्शन करने आप काशी में आए? जी, ये सौभाग्य की बात है कि आज दर्शन मिलेंगे और काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी है, मतलब सारा कुछ लाइन से चल रहा है तो अच्छा एक्सपीरियंस है। लोगों की भीड़ काफ़ी लंबी होगी? हाँ जी, काफ़ी नहीं, इससे समझ आता है कि अब तरक्की हो रही है और मतलब सोसाइटी की सोच बदल रही है। अच्छा, आखिरी प्रश्न, प्रधानमंत्री जब से मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो इसको क्या देखते हैं, भारत में ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, इसे मतलब डेवलपमेंट होती है एक तरीके से और भी बाहर से भी लोग देखने आते हैं। और आप लोग युवा हैं और युवाओं को बड़ा रुझान बढ़ा है कि मतलब मंदिरों के प्रति बहुत रुझान बढ़ा है, पहले लोग गोवा जाते थे और कहीं कहीं दूर जाते थे, मतलब सबकी धीरे धीरे टाइम के साथ सोच बदलती है तो मन करता है कि थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो पीस प्राप्त करने के लिए सब सोचते हैं कि मंदिर चलते हैं।